हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम संदीप वर्मा, टेक्निकल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसा रिव्यू लेके आऊँगा जो आपके नॉर्मल टीवी को स्मार्ट बना देगा। ये आपका है स्मार्ट टीवी बॉक्स, इसका नाम है स्मार्ट टीवी बॉक्स। अब इसके कॉन्फ़िगरेशन में बता देता हूँ। सीपीयू है इसका 64 बिट, ये S265 को सपोर्ट करता है। सीपीयू इसका 4 कोर 4K HD को ये सपोर्ट करता है। इस बॉक्स का नाम है MX Cube Pro 4K। अब इसके देखिए स्पेसिफिकेशन के बारे में कुछ ज़्यादा तो डिटेल है। इस पर 2D 3D गेम सपोर्ट करते हैं और ये सपोर्ट कर 2.4 GHz की वायरलेस माउस को एंड कीबोर्ड एयर रिमोट। चलिए आज इसके अनबॉक्सिंग करते हैं हम। फ्रेंड्स, अब देखिए ये है MXQ की ब्रांडिंग है। इस पे इसका मॉडल नंबर, सीरियल नंबर, QR कोड वगैरह दिया हुआ है। इसमें देखते हैं इथरनेट केबल आपका डायरेक्ट लग जाएगा, HDMI पोर्ट है, AV पोर्ट है, SPDIF के लिए है, USB पोर्ट, 1 2 3 4 चार USB पोर्ट दिए हुए हैं, एक SD कार्ड के लिए है। ये आपका बॉक्स मेरे पाम में आ जा रहा है, लगभग 5 इंच के आसपास होगा। काफ़ी हल्का लाइट वेट है। आपके जो घरेलू सेटअप बॉक्स यूज होते हैं उससे छोटा ही है काफ़ी। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने टीवी स्क्रीन पे चलते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं HDMI के थ्रू। फ्रेंड्स, हम आ गए अपने टीवी स्क्रीन पे। अब इसको हम सेट टॉप बॉक्स को ऑन करते हैं। इसको देखिए, इस पे आ गया एंड्रॉयड। मैंने अपने रिमोट में बैटरी लगा ली है। एम बॉक्स, ये कुछ टाइम लेता है लेगा, मैं बूट होने के बाद आपको फिर ले आता हूँ स्क्रीन पे। हाँ फ्रेंड, देखिए अब ये बूट स्क्रीन ओपन हो गया है। इसमें देखिए फंक्शन है ऑनलाइन वीडियोज, रिकमेंडेड म्यूजिक, सेटिंग्स, लोकल, माय एप्स। मैं पहले आपको सेटिंग्स इसके दिखा देता हूँ। सेटिंग्स में क्या, ये पूरे एंड्रॉयड मोबाइल समझिए। देखिए इसमें इंटरनेट वाईफाई के थ्रू मैंने इसको कनेक्ट किया है। साउंड, डिस्प्ले, ऐप्स, स्क्रीन सेवर, स्टोरेज। चलिए हम स्टोरेज की बात करते हैं। इसमें आपका 16 GB इंटरनल मेमोरी है। ये बैक चलते हैं। अबाउट सिस्टम अपडेट, इसमें वर्जन आपके कौन सा वर्जन है। इसमें वर्जन है 7.1.2, ये अप्रैल 2017 का है। इसको आप अपडेट कर सकते हैं। डेट, टाइम, सेट, लैंग्वेज, कीबोर्ड, मोर सेटिंग। ये देखिए मैंने अपने आईडी से लॉगिन कर रखा है इसको। ये समझ लीजिए पूरा का पूरा एंड्रॉयड मोबाइल है। तो चलिए आते हैं ऐप्स में। अब देखिए इसमें ऐप्स में आपके ऐप मार्केट, कैलकुलेटर, क्लाउड टीवी, डाउनलोड, फाइल एक्सप्लोरर, गैलरी, सारी चीज़ें लगभग इसमें दी हुई हैं। तो चलिए हम आपको एम एक्स प्लेयर मैं आपको प्ले स्टोर खोल के दिखाता हूँ। इसमें आप जो चाहें वो अपना अदर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी आप मोबाइल पे करते हैं वो सारे ऐप। वैसे ही आपको लॉगिन वगैरह अपने आईडी से करना पड़ेगा। देखिए लॉगिन के लिए मांग रहा है, मैं इसको बैक करता हूँ क्योंकि मुझे जो आवश्यकता नहीं है। चलिए आते हैं फिर। इसमें देखिए मिरर भी हो सकता है। ये आपके नॉर्मल टीवी को पूरा मतलब मिरर कर दे, जो आजकल के स्मार्ट टीवी आ रहे हैं वो समझ लिए आपको पूरा पूरा टीवी नॉर्मल को स्मार्ट बना देगा। इसके अलावा आपका आता है यूट्यूब।
देखिए शायद नेटवर्क का कुछ इशू है। इसलिए कनेक्ट नहीं हो पाया। रुकिए मैं कनेक्ट करके। हाय फ्रेंड्स, देखिए मैंने कनेक्ट किया। इस पर सारे यूट्यूब के कंटेंट आपके सब कुछ इस पर आपके चलेंगे। चलिए हम इस पर कुछ प्ले करके देखते हैं कि क्वालिटी क्या दे रहा है ये। ये आपके नेट के स्पीड के ऊपर है। अगर आप फुल HD चलाएंगे तो भी इस पर आपका फुल HD चलेगा, नॉर्मल चलाएंगे तो नॉर्मल चलेगा। फ्रेंड्स देखिए ये रिस्पांस तो इसका अच्छा है। नेट को स्किप करते हैं। दुष्ट कालिया, मैं तुम्हें आदेश देता हूं। देखिए फ्रेंड्स क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी दे रहा है। फ्रेंड्स इससे बैक में आते हैं फिर। इसमें देखते हैं MX प्लेयर के कंटेंट आते हैं कि नहीं। जब तक कंटेंट, ये देखिए हमारे भोले बाबा प्यारे से नंदी महाराज भी हैं। देखिए फ्रेंड्स MX प्लेयर भी आपका इस पे कंटेंट आ रहे हैं सारे। इस पे आपके MX प्लेयर के भी सारे कंटेंट आ रहे हैं। इसी के जरिए समझ लीजिए आप जो भी ऐप डाउनलोड करेंगे, नेटफ्लिक्स मतलब जो भी आप अमेजन प्राइम वगैरह डाउनलोड कीजिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए, उसके बाद इस पर सब कुछ प्ले कीजिए। और कोई अगर आपके मन में डाउट हो फ्रेंड्स तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे सजेशन ले सकते हैं। हमको जहाँ तक हो सकेगा हम आपको अधिक से अधिक जानकारी पहुँचानेंगे। चलिए फ्रेंड इसी के साथ मैं आपका होस्ट संदीप कुमार आपको धन्यवाद देता हूँ वीडियो देखने के लिए। कृपया हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं अभी नया हूँ, जिससे मैं और इसे अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आप सबके बीच में पहुँच सकूँ। जय हिंद फ्रेंड्स।